हेलो गाइस, 7 सितंबर के लिए जो है निफ्टी में हम जो है इम्पोर्टेंट लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल जो है प्रीवियस डे हाई को हमने मार्क कर लिया है, प्रीवियस डे लो को हमने मार्क कर लिया है। तो आइए देखते हैं मार्केट किस तरीके से बिहेव किया है। तो मार्केट 7 तारीख को जो पहली कैंडल बनती है वो बिग रेड कैंडल बनती है, प्लस इस रेड कैंडल ने जो है सीपीआर को ब्रेक किया है। तो पैटर्न के हिसाब से जब सीपीआर को कोई कैंडल नीचे से ब्रेक करती है तो हम शॉर्ट साइड लेते हैं, लेकिन हम अपना स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। अगर हम सीपीआर के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो एक जो है अच्छा स्टॉप लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इस सीपीआर के ऊपर रखेंगे तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम इस रेड कैंडल के जो दिन का हाई है इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो हमको जो है अपना टारगेट जो रखना होगा जो है प्रीवियस डे लो पे रखेंगे अपना टारगेट, या फिर दिन के जो पहला जो पिवट डेली पिवट लाइन है उस पर अपना टारगेट रखेंगे। तो हम अपनी एंट्री इस कैंडल पहली कैंडल पे करेंगे शॉर्ट साइड में, प्लस अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे यहाँ पे करीब रखेंगे, इस जगह पे करीब रखेंगे और करीब 17,403 पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारी जो सेकेंड कैंडल है उसी ने हमारे जो है 2 आवर का जो है टारगेट अचीव करा दिया है। दिन का हमारा सेकेंड एंट्री होता है 20 मूविंग एवरेज के पास। जब 20 मूविंग एवरेज के पास प्राइस रिट्रेस होके आती है, प्लस डेली पिवट पॉइंट का जो यहाँ पे है एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक जो है रेड कैंडल बनती है, इस रेड कैंडल पे हम अपना फिर से एक शॉर्ट साइड ट्रेड लेंगे। अपना टारगेट हम यहाँ पे डेली पिवट पॉइंट, नेक्स्ट डेली पिवट पॉइंट पे अपना टारगेट रखेंगे। लेकिन क्या होता है कि इस ट्रेड में हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर ही रखते हैं और हमारा इस ट्रेड में जो है स्टॉप लॉस हिट होता है। दिन का हमारा तीसरा जो और सबसे इंटरेस्टिंग जो एंट्री बनती है इस ग्रीन कैंडल पे बनती है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे हमारा जो है एंट्री बनता है, क्योंकि अगर इस कैंडल को हम ध्यान से देखें तो इसने क्या किया है, प्रीवियस आज के जो डे हाई है उसको जो है ब्रेक किया है। एक मिनट, ट्रेंड लाइन इसने दे, अगर हम ध्यान से देखें तो आज के जो डे हाई है उसको इसने ब्रेक किया, प्लस इसने जो प्रीवियस डे हाई है उसको ब्रेक किया। तो क्या होगा, कई लोग जो है इस ग्रीन कैंडल पे है बाय ट्रेड लेंगे। तो आप पूछेंगे कि मैं क्यों नहीं बाय ट्रेड लूँगा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो ये अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अप ट्रेंड जो है इस ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ है। अगर इस ग्रीन कैंडल से अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करीब करीब 8 कैंडल जो है लगातार ग्रीन कैंडल बनी है। तो जब भी एक 90 डिग्री का कैंडल जब ब्रेकआउट होता है तो अधिकतर टाइम क्या होता है, वो फास्ट ब्रेकआउट होता है। वही हुआ भी इस ट्रेड के साथ। नेक्स्ट कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनती है और हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा इसी रेड कैंडल पे होगा, इस रेड कैंडल पे, और हम अपना स्टॉप लॉस जो है इस रेड कैंडल के जस्ट ऊपर रखेंगे और हमारा टारगेट जो होगा 2 आवर का होगा, जो है सीपीआर के पास हमारा 2 आवर का टारगेट होगा। तो आज के दिन हमारा जो है 3 ट्रेड हुए हैं निफ्टी में, जो है इसमें 1 ट्रेड में हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी 2 ट्रेड में हमारे जो है टारगेट हिट हुए हैं 2 आवर का। तो आज के लिए थैंक यू गाइज़।